हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे, सब एकदम भले चंगे होंगे। ये फ्राइडे की शाम और शाम को ये दोनों लोग गए थे, बेटी और पिताजी लेने गए थे सामान। कितना सिंदूर लगा रखा है मत्थे पे, तीन आए सामान का पर्चा है, करें मिला लेना। ये आया है कुछ सामान, तो इसमें छोटी छोटी सी मैगी है 7 रुपीज की, सोयाबीन की बड़ी है, हींग है। वाओ, बस हो गया, वाओ मिल गया पूर्ति को अपना फेवरेट चिप्स। मैं भी मिला लूँगी, मैं भी मिला लूँगी, मैं थोड़ा बहुत सामान मंगाया है मैंने। ये आए गोलगप्पे, तो सबसे पहले सभी लोग खाएंगे गोलगप्पे। कटोरी कहाँ है, ले आओ, हटो तुम, शोर ना मचाओ। पूर्ति किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ, बहुत जल्दी चिढ़ जाती है, किसी ने टच भी कर लिया है तो 2 मिनट में छिड़ जाती है। ये लोगों, इनको कैसरोल मिल रहा है, इतने बड़े कैसरोल में खाओगी? हाँ, चिप्स। ये किसी को शेयर नहीं करती है, तो कलेशी महारानी है। लो निकल गया, ले जाओ खा लो। बहुत चिप्स खाते हो तुम लोग दिन भर, बहुत नुकसान करता है ये चिप्स, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हेयरबैंड क्यों निकाल दिया? अभी मिलाऊंगी मैं पर्चा बाद में, तो बच्चे अभी करने नहीं देते हैं क्या सामान है क्या नहीं है। दाल वगैरह मंगाई है, थोड़ी सी चीनी वगैरह है, तो ये है पर्चा। मैं अभी बैठ के मिलाती हूँ। खड़े मसूर की दाल और चावल बना लिए हैं, बताशे हैं, खोल लेते हैं। तो और इसमें क्या आया है, ये है ब्रेड। हाँ, ब्रेड ख़त्म हो गई थी, तो ब्रेड है, दूध है 1 लीटर। चलिए इसको बॉईल कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम पे दूध से बहुत सतर्क रहना चाहिए। फटाफट से बॉईल कर लेते हैं इसको। फ्रेंड्स देखिए, पूर्ति कहाँ खा रही है, कि आप लोग किस छुप छुपा के खाया जा रहा है, कि कोई शेयर ना करना पड़े। पूर्ति अंदर जाके खाइए, हैं हम ले लें, दे दो उधर से मंकी, और आगे तुम्हें खौंक करके काटेगा, तुम्हारी सारी चिप्स ले ले आएगा, उसमें बची नहीं है। तो चलिए यहाँ पे दूध को गर्म कर लेते हैं सबसे पहले। इधर सिवाचन भी हो रहा है, तो दाल भी बन गई है मेरी। देना पड़ेगा, आटे को लगा लेते हैं, थोड़ी देर रेस्ट पे रख देंगे तो अच्छा हो जाएगा। दाल को चेक कर लेते हैं, मुझे थोड़ी सी खड़ी लग रही है, लग तो रहा है बनाई मैंने, खड़ी उड़द की दाल, खड़े मसूर की दाल, मुझे दोबारा चढ़ाना पड़ा। तो इसमें मैंने बनाने समय हींग, नमक, हल्दी और गरम मसाला और एक लाल हरी मिर्च डाली थी। तो दाल हमारी पक चुकी है, तब इसमें तड़का लगाएंगे, उससे पहले मैं रोटियां को सेक लेती हूँ। यहाँ पे सारी रोटियाँ हमारी बन चुकी हैं, कैसरोल में रख दिया है, और प्लेटफॉर्म को साफ कर लेते हैं। यह साफ कर लीजिए तो काफ़ी अच्छे से क्लीन भी हो जाता है और खुद को भी अच्छा लगता है। दाल को फ्राई कर लेते हैं, तो दाल को कर लेते हैं फ्राई, दाल लगा देते हैं हम खाना। तो दाल हमारी देखिए अच्छे से पक चुकी है, तो ये दाल अगर भिगोइए नहीं तो थोड़ा टाइम लेती है, तो मैंने दोबारा चढ़ाई थी, मुझे कुछ खड़ी लग रही थी। तो ऑयल गर्म होते ही हम डाल देंगे इसमें ही एक चुटकी, इसमें हम जीरा, अच्छे से चटकना चाहिए।
तभी दाल में तड़का अच्छा लगता है। जीरा अच्छे से पक चुका है, अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं लाल मिर्च पाउडर भी डालूंगी इसमें छौंक में। इसमें लाल मिर्च पाउडर, देन इसमें डाल देंगे हम अपनी ये दाल। दाल में हमारी तड़का लग चुका है, तो मैं मुक देते हैं ढक। तो इधर हाथ के हाथ हम बर्तन भी धुलते जा रहे हैं, तो मैंने तवा वगैरह संभाल लिया है, बस कुकर रह गया है। तो इधर कुकर भी मैंने क्लीन कर लिया है और सिंक को भी थोड़ा सा क्लीन कर दिया है मैंने, और हाथ तो हैंड वॉश कर लेते हैं। और इतना भागम भाग नहीं होगा, ये देखिए सब क्लीन हो गया है, तो प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग आज मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई है, किसी का मन भी नहीं था ज़्यादा कुछ खाने का, तो मैंने सिंपल सी दाल चावल रोटी बनाए हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे बच जाता है तो मुझे ही खाना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो आ जाइए सभी लोग, डिनर कर लीजिए, प्लेटिंग हो गई है। खाने में है खड़े मसूर की दाल, चावल और रोटी, तो आइए सिंपल सा डिनर कर लीजिए। तो इसी के साथ चलिए लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। हाँ।